नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर देख रहे हैं आप। पंजाब बीजेपी का सरदार कौन? दिल्ली में पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और इस बैठक में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, पंजाब बीजेपी का सरदार आखिर कौन होगा? तो 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनावों के लिए केंद्र में सत्तासीन बीजेपी ने सियासी जमीन मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन वाली बीजेपी के पास कोई खास चेहरा अब तक नहीं है। दिसंबर में ही पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उसके बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पार्टी में मंथन किया जा रहा है और मंथन अब भी जारी है। माना जा रहा है कि पार्टी से लंबे समय से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अपना जो कमान है वो सौंप सकती है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि कोर ग्रुप पे होने वाली इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया नहीं गया। पंजाब में बीजेपी के तीन अहम दावेदार सामने आ रहे हैं। तो तीन अहम दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू, कमल शर्मा और आपको बता दें कि तीसरा अहम दावेदार अविनाश राव खन्ना। ये तीन ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे आगे रेस में नवजोत सिंह सिद्धू चल रहे हैं, कमल शर्मा उनके बाद और उसके बाद अविनाश इस रेस में है। तीन चेहरे और इन तीनों चेहरों से ही ये समझना होगा कि आखिर पंजाब में सरदार कौन होगा, किसको चुना जाएगा, पार्टी किसका नाम इसको लेकर चुनती है और उस पे ही इसको लेकर मोहर लगाई जाती है। हमारे साथ अनिल मोर, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, चेहरा आखिर कौन होगा, क्योंकि इसको लेकर अब बैठक भी की जा रही है। तीन चेहरे प्रबल माने जा रहे हैं लेकिन रेस में सबसे आगे नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चल रहा है। बीजेपी आलाकमान भी फिलहाल असमंजस की स्थिति में लग रहा है कि पंजाब बीजेपी का कौन सरदार होगा, इसी को लेकर लगातार बीजेपी में एक मैराथन बैठकें भी लगातार कई दिनों से चल रही है कि आखिरकार बीजेपी की पंजाब इकाई की कमान किसको सौंपी जाए। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि और जो सबसे अगर मजबूत दावे की बात करें और कहीं ना कहीं जो केंद्र आलाकमान का भी हाथ कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू के सिर पर लग रहा है, क्योंकि जो खबरें हमारे सामने आ रही है कि नवजोत सिद्धू को ही बीजेपी ये नई जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया कि नवजोत सिद्धू के नाम पर ही आखिरकार मुहर लगेगी और अगर शाम को बीजेपी की पंजाब इकाई की कोर ग्रुप की एक बैठक होनी है, अमित जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मीटिंग लेके उसके बाद ही आखिरकार फाइनलाइज कुछ हो पाएगा कि आखिरकार अभी पंजाब बीजेपी की कमान किसको सौंपेगा। हालांकि रेस में कई नाम है, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा के नाम पर भी मंथन चल रहा है, इसके अलावा अरविंद राय खन्ना के नाम पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन जो सबसे मजबूत अगर दावे की बात करें, नवजोत सिद्धू का दावा सबसे ज्यादा बड़ा मजबूत चल रहा है, इसी को लेकर बीजेपी में यही मंथन चल रहा है कि आखिरकार किस नाम पर मुहर लगाए, किस नाम पर मुहर लगाने के बाद जो पंजाब में बीजेपी के अकाली के रिश्ते वो बेहतर रहेंगे, साथ ही बीजेपी का पंजाब में ग्रास है वो कितना उठ पाएगा। बीजेपी तमाम पहलुओं पर काम कर रही है कि किस सिख पर दाव लगा जाए, नॉन सिख का कार्ड खेला जाए, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है बीजेपी बिल्कुल तो असमंजस की स्थिति अनिल देखी जा रही है। लेकिन कब तक इसका चुनाव किया जाएगा, कब तक मोहर लगा ली जाएगी, फैसला आखिर कब तक होगा? देखिए, बीजेपी की पंजाब इकाई की कोर ग्रुप की आज बैठक होने, बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये बैठक करेंगे। उम्मीदें की जा रही है उस बैठक के बाद आखिरकार कुछ फाइनल कर ही दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव होने, तो बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव कर दिया जाए और एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। हालांकि बीजेपी तमाम बातों पर गौर कर रही है कि जितने भी समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश करे। बीजेपी की चलिए बेहद शुक्रिया आपका अनिल। तो तमाम जो समीकरण है उनको ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी हो चला है पार्टी के लिए और ये समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर किसके नाम के साथ चले। हम भी सीधे चलते हैं न्यूज रूम, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवनीत वहां से जुड़ गए हैं। नवनीत, परेशानी खासी है, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किसके नाम के साथ पार्टी को जाना चाहिए। बिल्कुल प्रतिमा, ये एक बड़ा आज जो बैठक है उसमें चर्चा का सबसे बड़ा बिंदु यही है कि किसके चेहरे को आगे करके पंजाब में बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़े।
क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे, उस समय अकेले बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जो नतीजे उसके बाद आए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद, वो जो एकला चलो की राह पर चलने की बात बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही थी, वो अब दबी जुबान में बोल रहे हैं, मतलब खुल के तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन हाँ दबी जुबान में जरूर रहे। तो ऐसे में कौन सा चेहरा हो जिस चेहरे को आगे करके पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, इसका फैसला आज हो सकता है। और संभवतः जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर आज मोहर लग सकती है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर अगर मोहर लग सकती है तो पंजाब में जो गठबंधन अकाली दल के साथ बीजेपी का है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि नाराजगी अकाली दल की नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। क्योंकि अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल की नाराजगी को लेकर के, तो लगभग 1.25 साल पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अमृतसर से सांसद उस समय हुआ करते थे नवजोत सिंह सिद्धू, उस दौरान अमृतसर में एक रैली के मंच पर दोनों के बीच कुछ मतभेद दिखे थे, नोकझोंक हुई थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया था कि मांझे के सरदार वो हैं ना कि प्रकाश सिंह बादल। उसके बाद से तल्खी अकाली दल और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में लगातार बढ़ती जा रही थी, और यही वजह थी कि इस बार माना जा रहा था कि अकाली दल के दबाव में ही बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है लोकसभा चुनाव को, और जब से नाराजगी उनकी दिख रही है। पिछले दिनों चर्चाएं थी कि आम आदमी पार्टी से नजदीकियां नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ रही है, उस समय खबरें आ रही थी कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, यानी कि कोई कोई जिम्मेदारी देकर पार्टी के साथ जोड़ा उनको जा सके, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही थी। लेकिन अब चूंकि अगर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की बात करें तो 18 दिसंबर को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है, कमल शर्मा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लगभग 2 महीने इसको होने वाले हैं, और ऐसे में नए प्रधान नए अध्यक्ष का चुनाव करना जरूरी भी है ताकि चुनाव नजदीक है, साल से कम का वक्त चुनाव में बचा है, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, ग्रामीण इलाकों की हमने दर्शकों को बताया कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से पकड़ कमजोर है भाजपा की, पंजाब के सियासी समीकरण प्रतिमा यही कहते हैं कि अकाली दल और भाजपा जब चुनाव लड़ते हैं तो अकाली दल ग्रामीण इलाकों को टारगेट करता है और भाजपा जो है वो शहरी वोटरों को अपनी तरफ लुभाती है, जिसके बाद गठबंधन करके इनकी सरकार बनती है। तो वो एक बड़ी कोशिश यहाँ पे ये भी अब देखना होगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी पूरी ताकत झोंक चुकी है, पंजाब में पूरी तैयारी पार्टी की तरफ से भी की जा चुकी है, कांग्रेस भी लगातार चल रही है, और आपसे कड़ी टक्कर भी बीजेपी को देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा शुरुआत जो है चुनावों के मद्देनजर की नहीं गई है। देखिए चुनावों के मद्देनजर शुरुआत की प्रतिमा जहां तक आप बात कर रही हैं, पंजाब के चुनाव से पहले जब भी माघी का मेला होता है जो कि 14 जनवरी को होता है, वहां से तमाम पार्टियां अपने प्रचार की शुरुआत करती हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से शंखनाद वहां कर दिया गया था प्रचार का, जब अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे शहीदों की बात उनकी तरफ से की गई, बादल परिवार पर निशाने साधे गए, कांग्रेस पर भी निशाने साधे गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अध्यक्ष बने हैं पंजाब कांग्रेस के उसके बाद वहां से उन्होंने भी श्री गणेश अपना प्रचार का किया और जमकर वो अकाली भाजपा सरकार पर भी बरसे और आम आदमी पार्टी पर भी बरसे। लेकिन अकाली दल की जो सियासी कॉन्फ्रेंस थी उसी में बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे, अलग से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सियासी स्टेज नहीं सजाती है, तो ये एक बड़ी वजह रही कि आखिरकार श्री गणेश कैसे किया जाए और किस चेहरे के साथ किया जाए। इस पर से पर्दा आज हट सकता है, शाम को 5 बजे बैठक होनी है जो कि बीजेपी कोर कमेटी की बुलाई गई है, इसमें हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू इस बैठक में नहीं आ रहे हैं जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है, लेकिन चर्चाएं लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर भी हैं। उसमें भी दो चीजें यहां पर उठती हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर चर्चा करने से क्या अकाली दल को आईना दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी कि जिस नेता से आपकी नाराजगी है उसी को हम कमान सौंप रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अकाली दल के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे बादल परिवार की बात करें या विक्रम मजीठिया की बात करें, खुलकर मतभेद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनके सामने रहते हैं, तो क्या उनको चुनौती देने की कोशिश, चूंकि मजीठिया भी अमृतसर से ताल्लुकात रखते हैं वहीं से चुनाव लड़ते हैं, ये भी एक कोशिश रहेगी। इसके अलावा अगर गौर करें तो अमृतसर से विधायक हैं नवजोत कौर सिद्धू जो कि नवजोत सिद्धू की पत्नी है और पंजाब सरकार में सीपीएस भी है। तमाम बार ऐसा हुआ है कि पंजाब सरकार में सीपीएस रहते हुए पंजाब सरकार के फैसलों के विरोध में धरने पर बैठ जाते हैं, यानी सरकार का ही एक नुमाइंदा सरकार के खिलाफ अक्सर धरने पर बैठा हुआ दिखाई देता है, वो भी एक स्ट्रेटेजी उनकी रहती है दबाव बनाने की पंजाब सरकार पर, और वही कहीं ना कहीं माना जाता है कि बीजेपी की तरफ से शह मिलती है उसके बाद ही नवजोत कौर सिद्धू ये सारे काम करती है। तो बीजेपी आज रोकना चाहूंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए सुभाष शर्मा जी, ये बीजेपी से हैं। सुभाष जी आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी आपका जो नाम है आपने वो भी तय नहीं किया है, नवजोत सिंह सिद्धू का जो नाम है हालांकि वो सबसे आगे चल रहा है, लेकिन किसको आप अपनी पार्टी की कमान सौंपेंगे पंजाब चुनावों के लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है,
और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो वरिष्ठ नेता हैं वो आज सब बैठने वाले हैं, और पंजाब का जो हमारा कोर ग्रुप है उन सबके साथ बैठक होगी, उन सबकी राय ली जाएगी, और उसमें जिस भी नाम पर सहमति बनेगी उस नाम को राष्ट्रीय नेतृत्व जो सही समझेगा उसको पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है, इसलिए मुझे लगता है आज शाम तक जो भी निर्णय राष्ट्रीय हाईकमान करेगा वो हो जाएगा। चले, शाम तक आप कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लिया जाएगा एकजुटता से वो लिया जाएगा और उसके बाद ही आप इस पर कुछ कह पाएंगे। लेकिन सुभाष जी, अगर हम ये भी हम देखें, अकाली और बीजेपी का जो गठबंधन है, क्या इसी इस ये दोबारा से कायम रहेगा या इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे? देखिए, जब अभी तक तो ये गठबंधन है और अकाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है, टाइम टेस्टेड गठबंधन है, और इस पर कोई भी निर्णय जो लेना है वो तो केंद्रीय हाईकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व में लेना है। केंद्रीय नेतृत्व में नहीं लेना है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो माना जा रहा है कि पंजाब में कड़ा टक्कर जरूर दे सकती है, कड़ा मुकाबला एक जरूर बन सकती है, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि लगातार परेशानियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिलती है, पंजाब में भी क्या इन सब चीजों को भुनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए? क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी इसको लेकर है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का पंजाब में संबंध है, जिस प्रकार से दिल्ली में उनकी सरकार चल रही है और जिस प्रकार से दिल्ली में उनकी फील है एडमिनिस्ट्रेशन में, और दिल्ली के लोग जिस तरह से पश्चाताप कर रहे हैं सरकार को वोट दे करके, पंजाब के लोग कभी भी ये भूल नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी को अब वोट देने की, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के लोगों की बड़ी घनिष्ठता है, बहुत सारे लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं, दिल्ली पंजाबियों से भरी पड़ी है, तो दिल्ली का जो इस समय सेंटीमेंट है आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो पंजाब में भी प्रिवेल कर रहा है, और आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता थोड़ी बहुत बढ़ी थी लोकसभा के समय उसमें अब निरंतर गिरावट जारी है, और खास करके जिस प्रकार की लड़ाई पंजाब में आम आदमी पार्टी में अंदर चल रही है, चार सांसद हैं, दो एक तरफ हैं, दो एक तरफ हैं, उनके संयोजक कुछ नाम देते हैं, सांसद कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कोई बड़ी चुनौती तो फेस आप कर कोई पाए। कंपटीशन नहीं मान रहे हैं आम आदमी पार्टी नहीं, को? फिलहाल आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है, चलिए, हमारी लड़ाई पंजाब कांग्रेस के आम साथ। आदमी पार्टी प्रवक्ता से सुचा सिंह जी फोन लाइन पर हैं। सुचा सिंह जी, बीजेपी तो आपको कोई कंपटीशन में मान ही नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि आप तो बहुत रेस में अच्छा, ही नहीं बहुत है। अच्छा, ये भी दिल्ली की भी नहीं इसी कंपटीशन से मान रही, पंजाब की भी नहीं मान रही, इसी गलतफहमी में रहना चाहिए, बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुलेगा पंजाब में। अच्छा, खाता नहीं खुलेगा सुभाष जी, वो आम आदमी पार्टी बीजेपी को एक सीट भी पंजाब में नहीं मिलेगी। हाँ, अकालियों ने जितना इसको बदनाम कर दिया है, अकाली दल का मिनिस्टर ड्रग बेचता है, बीजेपी का जो प्रधान है कमल शर्मा उसका पीए उदा ओएसडी सभी ड्रग केस में बिल्कुल। सुभाष जी, इस पर मुझे आपका जवाब लेना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से तस्कर कनेक्शन निकल कर आ रहा है, ड्रग्स की लगातार खबरें सामने आती हैं, और पंजाब पुलिस भी बहुत सारे सवालों के घेरे में है, और अकालियों की छवि को काफी नुकसान इससे पहुंचा है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, सुचा सिंह साहब ये कह रहे हैं। पूरी राजनीति जो आम आदमी पार्टी है वो झूठ की राजनीति करते हैं, ये झूठ की ये तो राजनीति के नहीं माहिर है। ये तो सुभाष जी, ये तो सब देख रहे हैं कि कितना ड्रग कनेक्शन वहां से निकल कर आ रहा है, किसका निकल के आ रहा है जी, मुझे बताइए ना, सिर्फ आरोप लगा देने से क्या होता है? क्या किसी का कोर्ट में साबित हो गया, क्या किसी के ऊपर आरोप साबित हो गया? आरोप तो इनके अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। इनके 10 MLA जेल के अंदर हैं, दिल्ली के अंदर। आज तक किसी सरकार में हुआ है कि एक साल में 10 विधायकों के ऊपर केस हो जाए? तो लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं, लोग इनके झूठ को जान चुके हैं। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले दिनों में पंजाब के हालात खराब करने की कोशिश की, इन्होंने सरबत खालसा के नाम पर आतंकवाद और खालिस्तान को समर्थन देने की बातें इनके नेता करते रहे हैं, पंजाब की जनता के सामने इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है, दिल्ली की जनता के सामने इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है, आपका जवाब और भी अगर इनको पर लेना इतना विश्वास है तो ये खडूर साहब उपचुनाव क्यों नहीं लड़े? ये लड़ते खडूर चलो, साहब का चुनाव। सुचा सिंह जी, आप सुन रहे हैं? सुचा सिंह जी, हाँ बेटा जी, आपने सुना सुभाष जी ने जो तमाम आरोप लगाए? मैंने सुन लिया, बीजेपी वालों को ऐसे ही बोलना चाहिए, जो दिल्ली में भी ऐसे बोलते थे केजरीवाल बद नसीब है, जंगल में चला जाना चाहिए, मगर जंगल में इनको जाना पड़ा। बिहार में भी ऐसे बोलते थे, अब पंजाब में भी ऐसे बोलते रहना चाहिए इनको। हमें गाली निकाले बहुत अच्छा लगता है, मगर पंजाब में इनका काम खत्म हो जाएगा। खडूर साहब के इलेक्शन के मतलब तो हमने पहले सुभाष जी, सुचा सिंह साहब कह रहे हैं कि आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आपने दिल्ली में भी अंडर एस्टिमेट किया और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, और अब भी अगर पंजाब में अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, माहौल उनके पक्ष में है। नहीं, इनके उनके पक्ष में कोई माहौल नहीं है, इनको गलत फहमी रहती है। एक बार अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो जरूरी नहीं है कि हर बार लगे,
दिल्ली में बटेर लग गया था, दिल्ली की जनता पश्चाताप कर रही है, और आप देखेंगे दिल्ली के कारपोरेशन के चुनावों में सूपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। पूरी दिल्ली त्राहीमाम त्राहीमाम कर रही है, गंदगी के ढेर लगे हैं, कचरे के ढेर लगे हैं, बिजली की बुरी हालत है, आम आदमी परेशानी में घूम रहा है। मतलब दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें भी नहीं आएंगी। चलिए, तो बहुत से दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंकने की बात कर रहे हैं, सुभाष जी भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर आज चुनाव दिल्ली में होते तो बहुत सी परेशानियां देखने को मिले। लेकिन सुभाष जी और सुचा सिंह जी, लगातार आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, आगे भी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, उसके बाद आगे चर्चा। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए। सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद, इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेलब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत चौक, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। FIMS Hospital, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. FIMS Hospital, nurturing life. मैं आपका धर्मेंद्र, आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर की घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए
हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। पंजाब बीजेपी का सरदार कौन होगा, मंथन इस पर लगातार बीजेपी में चल रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है और इसी पर निगाहें सबकी टिकी हुई। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवनीत वहां से जुड़े हैं। नवनीत, लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक तमाम तरह की बातें जो है वो इसको लेकर कही जा रही है, लेकिन अभी बीजेपी कुछ भी खुलकर नहीं कह रही है, कह रहे कि असंगठन में फैसला होगा और कोई भी अपने जो राज हैं अपनी बातें हैं वो नहीं खोले जा रहे हैं। बिल्कुल खुलकर जरूर प्रतिमा कुछ नहीं कह रही, लेकिन प्रवक्ताओं को आपने सुना, जो रणनीति जिस पर आज चर्चा होनी है उसमें एक ये भी है कि कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के क्या कामकाज हैं, वो दिल्ली में कितने फेलियर रहे हैं उसको प्रचार हम वहां पर करेंगे, तो ये भी एक बड़ा एजेंडा आज की बैठक में प्रतिमा रहने वाला है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल तो है। ये हमारे साथ सीपीएस पंजाब सरकार नवजोत कौर सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवजोत जी, अगर हम पूरे इन समीकरणों को देखें, हालांकि पंजाब में बीजेपी का सरदार कौन होगा इस पर अभी भी मंथन चल रहा है, कब तक जो है ये स्थिति साफ हो सकती है? नवजोत जी आप सुन रही है? नवजोत आपको आवाज मिल रही है? नवजोत जी, नहीं जी आवाज नहीं आ रही। नवनोत जी आप सुन पा रही हैं? नवजोत जी हाँ आप सुन पा रही हूं। क्या समीकरणों के बारे में हम समझे, क्योंकि अभी तक जो है मंथन चल रहा है, बीजेपी एक कोई नाम जो है उस पर मोहर नहीं लगा पाई है, मंथन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शाम तक जो है या कुछ देर में इसका ऐलान होगा, लेकिन बात अगर अकाली बीजेपी गठबंधन की करे, क्या कुछ 2017 की स्ट्रैटेजी चुनावों को लेकर? वो पार्टी मेन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनको सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, सबका फीडबैक ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो जो भी डिसाइड करेंगे उनके लेवल पे रहेगा। हाँ। तो जो भी हो तो वो स्वीकार है हमें। हाँ। तो आप कह रहे जो भी होगा स्वीकार है, लेकिन अभी खुलकर कुछ भी नहीं कहेंगे, इंतजार करना है कि जब नाम का ऐलान होगा उसके बाद ही कुछ आगे बात कही जाएगी। नहीं, मेरा पर्सनल लेवल पे, देखो पार्टी का लेवल पे मैं कार्यकर्ता के लेवल पे बोलती हूँ, तो पंजाब में कार्यकर्ता तैयार नहीं है अकाली दल के साथ काम करने के लिए, पर ये हम पार्टी लीडर्स को, लीडरशिप को बता चुके हैं। हाँ। तो डिसीजन उनके हाथ में है, जहाँ तक मेरी पर्सनल डिसीजन है तो उससे वो पर्सनल डिसीजन तो वही स्टैंड करती है कि अगर अकाली दल के साथ हुआ तो चुनाव में नहीं लड़ूंगी इनके साथ। हाँ, वो मेरी अलग से डिसीजन है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू की, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, आप उनकी पत्नी भी हैं, तो ऐसे में अब तक भी हालांकि कुछ भी इसको लेकर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन सबसे आगे रेस में उनका नाम ही है, तो कितनी स्ट्रेंथ बीजेपी से इसको मिलेगी? अगर लोगों का प्यार देखें या इज्जत देखें, प्यार तो बहुत मिलता है, तो ग्राउंड लेवल पे देखें तो मेरे हिसाब से बीजेपी में दोबारा से जान आ जाएगी। हाँ। तो पर वो पार्टी लेवल की डिसीजन है कि किस टाइम पे उनको क्या देना है। तो नवजोत तो शुरू से हमारी फैमिली ने कभी मांगा नहीं है, पर हमें जो भी दी है तो पार्टी चाहे सरपंच बोले तो हम सरपंच बन जाएंगे, तो जो भी बनाएगी तो उसी हिसाब से काम करेगी। आपने कहा कि अगर उनका नाम आगे लेकर चलते तो एक बार फिर से पार्टी में जान आ जाएगी, अब पार्टी की जान क्या थोड़ी अब कम हो गई है, थोड़ी फीकी हो गई है, क्योंकि कुछ तो कमी जरूर है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो जान है ही नहीं है, क्योंकि हाँ। बहुत ज्यादा हमें बुरी तरह से हमारा ट्रीटमेंट जो हुआ कार्यकर्ता का, हाँ। तो वो कार्यकर्ता तो तैयार ही नहीं है बाहर, हाँ। निकलने को सड़कों पे, तो फिर आने वाले टाइम में अगर इकट्ठे रहते हैं तो बाहर देखने को बीजेपी का पंजाब में कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर यहाँ पे आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब तो कमाल वाकई में हो सकता है, लोगों का प्यार मिलेगा और उसी के साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसका भी कमल बहुत अच्छे से खिलेगा 2017 में। बिल्कुल ठीक, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो कमल बीजेपी का तभी खिलेगा जब नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे, ऐसा उनकी पत्नी जो है सीपीएस पंजाब सरकार में ये कह रही थी, तो कमल कब खिलेगा? हालांकि उसके खिलने से पहले नाम का ऐलान कम से कम होना है, सरदार कौन होगा पंजाब बीजेपी का ये भी सोचा जा रहा है। बेहद शुक्रिया नवनीत, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, उन्होंने भी इस पर हमारे साथ तमाम चर्चा की। इंतजार थोड़ा सा और कर लेते हैं और उस इंतजार के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर पंजाब बीजेपी का सरदार कौन। कुछ पल का इंतजार, उसके बाद जो पूरी स्थिति है वो साफ हो जाएगी। इसी के साथ खास खबर में इतना ही, नमस्कार।